अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आई एम अरसलान फ्रॉम एटकासा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस इंपॉर्टेंट से टॉपिक का नेम क्या है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नेम है कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ मेट्रिसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करके देखा था, ठीक है। अब उसका जो है उसी तरह का रूल होगा, लेकिन इसमें कुछ नई चीजें हम लोग पढ़ेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट क्या होता है, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एडजॉइंट क्या होता है, हम लोग फिर इन दोनों के यूज से इनवर्स फाइंड आउट करके देखेंगे डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट की यूज से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करने जाते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्सेस होते गए, तो उसमें पहली जो चीज है वो है डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने आज पढ़ना है 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, कि स्पेसिफिकली जब 2x2 यानी कि ऑर्डर में दो रोज दो कॉलम्स होंगी तो हम लोगों ने किस तरह से उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास एंट्रीज है ए बी सी एंड डी, तो उसके डिटरमिनेंट को जाहिर करने का तरीका यह है, खड़ी दो लाइनें लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं, अब खड़ी दो लाइनें लगेंगी दोनों तरफ और इस तरफ भी दोनों तरफ खड़ी दो लाइनें लगेंगी। और उसके बाद क्या होगा कि आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है कि ए को डी के साथ और बी को सी के साथ, तो क्या होगा ए मल्टीप्लाई बाय डी और बी मल्टीप्लाई बाय सी होगा और दरमियान में आप पुट ऑन करेंगे माइनस, तो ये आपका बन जाएगा ए डिटरमिनेंट। क्या बन जाएगा, ए डिटरमिनेंट। तो ए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका मैंने सिखाया कि आपके पास अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो दोनों के जो डायगनल्स हैं उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस लगाएं, तो वो डिटरमिनेंट फाइंड आउट हो जाता है। एक एग्जांपल करते हैं और साथ साथ आपने इस एग्जांपल को, इस वे को नोट डाउन करना है किस तरह से फाइंड आउट करना है, क्योंकि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, भाई इसमें आता है। तो क्या होगा, m is equals to 2, 6, 1, 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, m डिटरमिनेंट के सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप इसके दोनों तरफ इस तरह लाइंस लगाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस 2 को 3 के साथ, सो दैट विल गिव अस 6, ठीक है, और 6 को 6 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 और दरमियान में क्या पुट करना है माइनस, आंसर क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये डिटरमिनेंट फाइंड आउट हो गया। क्या फाइंड आउट हुआ, डिटरमिनेंट। ओके, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद, सीखने के बाद हमारे पास दो टर्म्स आती हैं और वो दो टर्म्स जो हैं वो आगे का आने वाले टॉपिक में बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगी। तो उन दो टर्म्स को थोड़ा सा गौर से ध्यान से आप लोगों ने समझ लेना है कि वो दोनों जो हैं टर्म्स हैं क्या। पहली टर्म है उसको कहते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे होता है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, लेट्स से आपने उसका फाइंड आउट किया है डिटरमिनेंट, क्या फाइंड आउट किया है डिटरमिनेंट, और आंसर क्या आ गया आपके पास जीरो आ गया, आंसर क्या आ गया जीरो आ गया, तो वो क्या होगा, फिर वो होगा आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल ये रही आपके सामने, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है कि आपने फाइंड आउट किया डिटरमिनेंट और आंसर क्या आया है जीरो आया, तो ये क्या हो गया, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। फिर हमारे पास टर्म है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये कहता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसका आपने लिया है डिटरमिनेंट लेकिन वो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ और माइनस वन माइनस टू पॉजिटिव टू पॉजिटिव थ्री माइनस फोर इस तरह कोई भी नंबर्स आ गए हैं जीरो के अलावा, तो फिर वो क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हमारे पास जो अगली बात है उसका ताल्लुक बड़ा गहरा है, बहुत आसान बहुत मजे की, लेकिन उसका ताल्लुक भी गहरा है डिटर्मिनेंट के बाद, वो दूसरी जड़ है जो कि हमें इनवर्स निकाल के देगी किसका, 2x2 मैट्रिक्स का। तो क्या है वो, वो है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, कि हम लोग 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका आपके सामने है कि इसी तरह का अगर आपके पास कोई भी जनरल मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है, जैसे कि मैंने यहां लिखी है वहां ए बी सी एंड डी, आपने इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करना बड़ा आसान है, वो ये है कि आप इसके प्रिंसिपल डायगनल, ये आप देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगनल, इस प्रिंसिपल डायगनल के साथ आप लोगों ने चलना है। सो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो है उसका तरीका ये है कि आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स होगा ए बी सी एंड डी, ठीक है, उसमें आपने देखना है डायगनल के एलिमेंट्स कहाँ हैं आपके। तो मैंने आपको जैसे बताया था लास्ट लाइक वीडियो में, तो हमने डायगनल के ये एलिमेंट्स देखे थे, तो ये डायगनल के एलिमेंट्स आपने देखने हैं और आपने क्या करना है, बड़े आराम से इन डायगनल के एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देनी है आपने, ठीक है। तो डायगनल के एलिमेंट्स की जगह चेंज हो गई, उसके बाद बाकी जो दो एलिमेंट्स बचे हैं उनके साथ क्या बिहेव करना है, उनके साथ अब उनके साइन को चेंज कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, अगर पॉजिटिव है तो आप उनको क्या कर देंगे नेगेटिव कर देंगे। एक एग्जांपल करते हैं और इससे हमें क्लैरिफाई हो जाएगा कि हम लोगों ने किसी भी गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास एग्जांपल है जिसके एलिमेंट्स हैं m = 2 6 1 एंड 3, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे इस m का,
कि ये आपके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, आपने इन दोनों की क्या चेंज कर देनी है, इनकी प्लेस चेंज कर देनी है, ठीक है। और जब इनकी प्लेस चेंज होगी तो बाकी बचे दो मैट्रिक्स, दो एलिमेंट्स, ठीक है, माइनस सिक्स एंड वन। तो आपने क्या करना है, सिक्स को यहां और वन को यहां, लेकिन दोनों के क्या कर दिया हमने, साइन चेंज कर दिया। अगर सिक्स जो था वो पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, और वन जो था वो भी पॉजिटिव था वो भी नेगेटिव हो गया। सो दैट वॉज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया इस हमारे टॉपिक में, कैसे किया, डिटर्मिनेंट फाइंड किए, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स अगर जीरो आ गए तो सिंगुलर है, और अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा। जीरो के अलावा वन आ सकता है, टू आ सकता है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, कुछ भी आ सकता है। तो फिर हम क्या कहेंगे उसको, वो नॉन सिंगुलर है। आफ्टर दैट हमने देखा कि एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, जो कि टू बाय टू का मैट्रिक्स होगा, दो रोज और दो कॉलम्स का, उसका हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करने जा रहे हैं, किसका, गिवन मैट्रिक्स का। तो हाँ, फिर हम चलते हैं हमारे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के पास। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई गिवन मैट्रिक्स हो टू बाय टू का, तो हम उसका इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का यूज करके। तो हम लोग पहले देखते हैं कि जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है उसकी जो एक बड़ी टिपिकल डेफिनेशन है, जैसे हमने पढ़ी थी एडिशन में, वही हम लोग डिस्कस इस तरह करेंगे किसने, मल्टीप्लीकेशन में। तो पहले जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपने असल मोटिव की तरफ चलते हैं। तो वो क्या है, वो ये है कि मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो ये कहेगी आपके पास कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसको किसी ऐसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी आए, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट पढ़ा आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, वो आनी चाहिए आपके पास, और वो भी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी। तो हम लोग यहाँ क्या आ रहे हैं, हमारे लेफ्ट से उसको मल्टीप्लाई करें चाहे या उसको राइट से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आपके पास उसका जो आंसर है, इनवर्स जो है उसका, वो उसको आइडेंटिटी पे लेके जाए। तो लेट मी सपोज कि वो फर्ज करें वो क्या है, वो बी है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स क्या है, बी है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है, इनवर्स है ए का। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, और वो लिखने का तरीका जो है वो कुछ यूं है कि आप ए के अंदर जो है बी की बजाय आप लिखें ए इनवर्स ए माइनस वन। तो इसको हम पढ़ते हैं कि ए इनवर्स है, ठीक है, इसको आप ए इनवर्स को लेफ्ट से ऑपरेट करवाएं या राइट से ऑपरेट करवाएं, आंसर जो है वो क्या देगा, ये आइडेंटिटी ही आंसर में देगा। तो अब ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई गिवन मैट्रिक्स है, आप उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी बात हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके लिए दो चीजें जो हमने पीछे पढ़ी, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट, उसका बहुत अच्छे से आना जरूरी है, और ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन साथ साथ जरूर करते चाहिएगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनवर्स बाय यूजिंग इन एडजॉइंट, ठीक है, कि हम एडजॉइंट का यूज करके इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तरीकाकार उसका फॉर्मूला कुछ ये है, और वो फॉर्मूला ये कहता है कि जो ए का इनवर्स है, किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स है, वो कैसे फाइंड होता है, वो फाइंड होता है वन ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो वन ओवर ए डिटर्मिनेंट जो होगा ये हमेशा एक नंबर होगा, कोई रियल नंबर आएगा, मैट्रिक्स नहीं आएगा, ठीक है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि ऑलवेज बी अ मैट्रिक्स। तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम लोगों ने सीखी थी स्केलर मल्टीप्लीकेशन, या जिसको हम नाम दिया था रियल नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, तो उसी तरह से करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल एक डिस्कस करता हूं, ठीक है, उस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं उसका इनवर्स। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिया है जिसका जो है 3 1 -1 0। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या जिसको इस तरह से लिखा जाता है, क्या होगा, दोनों क्रॉस करेंगे ऐसे ही है ना, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0s are 0, ठीक है, और 1 -1 +1। तो ये आंसर क्या दे गया हमारे पास, 1। अब ये 1 जो है ये 0 नहीं है, जो कि बात कर रहे हैं हम यहां नॉन सिंगुलर की, ठीक है, तो ये क्या है, 0 नहीं है। तो अगर ये 0 नहीं है, दैट्स ग्रेट, 0 नहीं है। अब हम किस क्या फाइंड करते हैं, इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। अगर तो हम नॉन जीरो फाइंड आउट कर लेते हैं फिर हम एडजॉइंट पे जाएंगे, अगर हम कहीं आता है हमारे पास 0 तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो एडजॉइंट कैसे फाइंड करना था, हम लोगों ने इनकी स्पेस चेंज करनी थी, ऐसे ही है ना, तो हम लोग यहां करते हैं 0 और यहां करते हैं 3, और उसके बाद हमने इन दोनों की साइन चेंज करने थे। तो ये जो है हमारे पास ये बन जाएगा पॉजिटिव 1, जो है वो नेगेटिव 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास पॉजिटिव 1 बन जाएगा। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब एडजॉइंट भी फाइंड आउट हो गया, डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट हो गया। अब हम आते हैं हमारे इसकी बात की तरफ, कि जो हमारे पास ए इनवर्स है वो क्या फाइंड आउट होगा। तो ए इनवर्स जो है दैट विल बी 1 ओवर डिटर्मिनेंट 1 ओवर 1, डिटर्मिनेंट 1 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हमारे इस एडजॉइंट के साथ, जो कि है 0 1 -1 and 3। तो ये आपके पास आपका गिवन
ए इनवर्स आएगा जब 1 ओवर 1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता 1 ओवर 1 दैट गिव अस 1, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटरनली तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 1 माइनस 1 और 3। तो ये है ए का इनवर्स, ठीक है जी, ये क्या है, ए का इनवर्स है। ओके, ए का इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद जिस तरह हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि ए बी का मल्टीप्लाई करें, उसका ट्रांसपोज लें, ठीक है, और वो इज इक्वल टू आता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, इसी तरह से यहां पे हम लोग इनवर्स में भी एक इसी तरह की वेरिफिकेशन पढ़ते हैं, और उस वेरिफिकेशन को कहते हैं हम लोग कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। करना क्या है आपने, आपके पास गिवन एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और एक गिवन मैट्रिक्स है बी, आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इन दोनों का फाइंड आउट करना है इनवर्स, जो इनवर्स इक्वल होगा 1 ओवर ए बी, जो नया मैट्रिक्स आ रहा है उसका डिटरमिनेंट, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्योंकि आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा तो आप उसको करेंगे जिस तरह हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया वही चीज यहां होगी, तो ये आप फाइंड आउट कर जाएंगे इनवर्स इसी मेथड के थ्रू। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अलग अलग इनवर्स लेंगे, बी का इनवर्स इसी मेथड के थ्रू लेंगे, फाइंड आउट करेंगे जो ओके होगा 1 ओवर बी डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे ए का इनवर्स भी फाइंड आउट करेंगे जो कि होगा 1 ओवर ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने इन दोनों को बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट क्या होगा कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो बी इनवर्स आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा और फिर क्या फाइंड आउट हो जाएगा ए इनवर्स। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय रो कॉलम मेथड, वही जिस तरह के हमने किया था कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो उस तरह आप मल्टीप्लाई करके एक जो मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे वो मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये बता सकेंगे जी ए बी का होल इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, और आई होप सो कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है जी। सो दैट वॉज द लेक्चर फॉर अस टूडे, तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या क्या सीखा वो आप मुझे मेरे साथ रिकॉल करेंगे। तो पहले हमने सीखा डिटरमिनेंट, फिर हमने सीखा सिंगुलर क्या होता है मैट्रिक्स, फिर हमने सीखा नॉन सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर हो डिटरमिनेंट जीरो होता है, अगर डिटरमिनेंट जीरो ना हो तो नॉन सिंगुलर होता है, फिर हमने सीखा कि एडजॉइंट क्या होता है, फिर हमने ये सीखा कि किस तरह से हम लोग जो है एडजॉइंट के जरिए से और डिटरमिनेंट के जरिए से इनवर्स फाइंड करते हैं, और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। आई होप सो कि आज की वीडियो लेक्चर आप अच्छे से समझ आ गई होगी, पसंद आ गई होगी, ठीक है, और आपने क्या करना है इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस जो है अपनी बुक में से लाजमी कर लेने एज अ प्रैक्टिस। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है क्रैमर रूल का और इनवर्स मैट्रिक्स मेथड के जरिए से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।